पीछे चलते हैं रहना, चलते हैं रहना, शिव के पीछे चलते हैं रहना। मेरा यीशु आने वाला है, साथ बोले जाने वाला है, यीशु मेरा आने वाला है, हाथों को मिटाने वाला है। और क्या कहना है, हाथों को उठा के ओ यीशु का नाम हमें लेते हैं रहना, लेते हैं रहना, लेते हैं ओ यीशु का नाम हमें लेते हैं रहना, लेते हैं रहना, लेते हैं रहना। थैंक यू सीजा। हाथों को उठाओ परमेश्वर की तरफ और तैयार हो जाओ यीशु की महिमा करने के लिए। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। पिता यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग मेरे पिता दूर दराज आए हैं, आशा और विश्वास करके आए प्रभु, उनके ऊपर तेरा कंट्रोल हो, तेरे सामर्थ, तेरे हजूरी यहाँ पर काम करे। एक एक जन को खुदा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपने सामर्थ भेज, तेरे दूत आए और चर्च को रखवाली करें। ओ जीसस फादर, हम तुम्हें पुकारते हैं परमेश्वर, तू हमारी सुनता है परमेश्वर। आज के मीटिंग में तू हमारे बीच में मौजूद है ईश्वर। में चर्च को चारों तरफ से कवर कर ले ईश्वर। तेरे दूत आए मिकाएल जिब्राइल के पलटन आए यहाँ पर, घोड़े पर सवार होकर मेरे खुदाबन यीशु यहाँ पर खड़े हो जाए, अपने महिमा से आज लोगों को हील और चंगा करे, ताकि तू बता सके कि जो जीवित परमेश्वर है। तेरे वचन कहता है तो जब पुकारेगा यहोवा तेरे सुन लेगा। मैं तुझे पुकारता हूँ मेरे परमेश्वर, तू आता है और आशीष देता है। हर एक दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम में बांधता हूँ, हर शैतान को, विरोध को, नफरत को यीशु के नाम में बांधता हूँ। मेरे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सच में मेरे परमेश्वर, तू दया का सागर है, तू दया करता है। ओ यहोवा, तेरा वचन में लिखा तू डर भय के नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया, तेरे आत्मा काम करे। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। अपने हाथों को उठाओ, खुदा बोला जीसस माय लॉर्ड फादर, जीसस माय लॉर्ड फादर, हम तुमको याद करते हैं प्रभु, तुम मेरे दिल में आ, तुम मेरे मन में आ, तुम मेरे विचारों में, मेरे ख्यालों में आ प्रभु। इस कलेसिया का मालिक तू है, रखवाला तू है, चट्टान तू है, ढाल तू है, महामारी की जाल से बचने वाला परमेश्वर, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। जैसे तू एलिया के साथ रहा, वैसे तू आज मेरे साथ हो जा। जैसे तू एलिशा के साथ रहा, वैसे तू मेरे साथ हो जा। जैसे तू अब्राहम के साथ रहा, याकूब के साथ रहा, मूसा के संग संग रहा प्रभु, वैसे तू मेरे साथ साथ चलता है। तेरे वचन में कहता है ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु, आ मैं तुझे पुकारता हूँ। अपने आत्मा को खोलो प्रभु के लिए, तैयार करो कि परमेश्वर आपके मन में आए, आपके हाथ के अंदर आए। वही एक परमेश्वर है जो यहाँ तक लेकर आया है। Hallelujah, hallelujah.
तूने हमारे लिए मारा गया गाड़ा गया क्रूस पर चढ़ाया गया और मुर्दों में से तू सच्चा है परमेश्वर। तू ये साबित कर देता है कि मैं सच्चा हूं। हालेलुया बचाने के लिए आ जा। लोग बीमारी में लचारी में दुख में परेशानी में और तू मदद करने के लिए आ जा। हम तुम्हें पुकारते हैं प्रभु। तू ही मेरा परमेश्वर है जो तू मुझे यहां से यहां तक लेकर आया। मेरा भरोसा तुझ पर है परमेश्वर। हर एक जंग लड़ने वाला परमेश्वर, हर दुश्मन को सामना करने वाला परमेश्वर तू है। तेरा वचन में लिखा है कि यहोवा तेरे वोर्ते तेरा विरोधी कौन हो सकता है। yes, yes, yes. हर एक नफरत को मिटाने वाला परमेश्वर तू है। तूने दुश्मनों से प्रेम करना सिखाया, तू दुश्मनों को माफ करना सिखाया परमेश्वर। हम तेरे भरोसे है परमेश्वर। तू ही मेरा परमेश्वर। yes, yes. मेरा आशा और विश्वास तुझ पर है प्रभु। सारे मस्ती के मालिक तुम्ही हो, सारे सृष्टि के रचक तुम ही हो मेरा प्रभु, तुम ही हो मेरा प्रभु। हा 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 हा
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज इनके ऊपर से हर एक दोष पाप श्राप खत्म हो जाए। जितने घुटने टिका कर तुमको याद कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरे दिल में आ, आज तुम उनके दिल में आ, उनके दुख बड़ा नहीं है, परमेश्वर दुख बड़ा है। हो यीशु, मैं तुम्हें याद करता हूँ। हर एक बुराई को, नशा को, पाप को, श्राप को खत्म कर। तेरा वचन में लिखा, जब तेरा घुटना यहोवा के सामने टिका हो, यस, तेरे सारे जंग यहोवा लड़ेगा। आमेन। मैं पुकारता हूँ परमेश्वर, इस कलीसिया का मालिक तू है। यस जीसस, तूने मुझे जीरो से हीरो बनाने वाला तू। यस लॉर्ड, मैं मिट्टी में रेंगने वाला था लेकिन तूने उठाकर खड़ा किया। यस परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा, माँ के गर्भ से मैंने तुम्हें चुन लिया। हे पिता, मेरा आशा तुझ पर, मुझे विश्वास है तू जो करेगा अच्छा करेगा। यस जीसस, ओ जीसस माय लॉर्ड। एक एक लोग ठीक हो जाए, कमर के दर्द, घुटने के दर्द से मुक्त हो जाए, हर बीमारी लाचारी दुर्बलताएं से छुटकारा पाए, कैंसर बवासीर से मुक्त हो जाए। मैं पुकारता हूँ, पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में। यीशु आ जाकर साबित कर दे मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा आज साबित कर तू हमारे साथ रहे। जितने आंसू बहा रहे, रो रहे कि परमेश्वर तू आ, दीदार किया तूने।
से गाए आपके अंदर आना चाहता है वो पूरा कलेसी अपने मन खोलो यीशु के लिए मन खोलो उसे अपने अंदर आने दो वो जब आएगा आपके अंदर से दुख निकाल देगा आएगा मुर्दे जिंदा होंगे आएगा रोग चंगा होगा हो जाए एक लोग एक एक दुष्ट आत्मा इनके बॉडी को छोड़ के निकल जाए अरे दुष्ट शक्तिया मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ यीशु के नाम में निकलने के लिए उल्टी करके निकल जाओ उल्टी करके दुष्ट आत्मा निकल जाओ यीशु के नाम में आज मेरे परमेश्वर का महिमा यहाँ काम करे यीशु 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 प्यार करता है 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 थैंक यू जीसस यीशु बुलाता कि हे मेरे बेटा मेरी बेटी मेरे पास आ मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा तुम परमेश्वर के बेटे हो तुम परमेश्वर के प्रिय बेटे हो कुछ नया देना चाहता कुछ बड़ा देना चाहता आत्मा से भरो आत्मा से पुकारो खुदा का आत्मा से याद करो खुदा का क्योंकि वो आत्मा में रहता है मेरा सर झुके तो तेरे सामने झुके मेरा सर झुके तो तेरे सामने झुके मेरे प्रभु मैं तेरे अलावा कहीं सर ना झुका सकूं तू मुझे ऐसा शक्ति और वरदान दे कि मेरे सामने जितने लोग आए मेरे परमेश्वर तूने लज्जित कर देगा मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर तेरे सामर्थ्य मेरे साथ रहता है जिसका साथ तू रहता उसे तू हमेशा सुरक्षा देता मैं आज पूरे चर्च को यीशु के हाथों में सौंपता हूँ इनके कैंसर शुगर खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में इनके बवासीर बीमारियां खत्म हो रहा है यहाँ पर गूंगे बोल रहे हैं यीशु के नाम में अंधे देख रहे हैं यीशु के नाम में कोढ़ी शुद्ध हो रहे हैं यीशु के नाम में पेटों का दर्द कमर दर्द खत्म हो रहा है चंगे हो जाओ यीशु के नाम से आज आजाद हो जाओ रोगी चंगे हो जाओ चलो खड़े होकर चलो खड़े होकर यीशु के नाम में ऐ लोगों चलो यीशु के नाम में छोड़ो घंटा छोड़ो खाट चल के देखो बोल के देखो देख के देखो यीशु ने चंगा कर दिया है साबित कर रहे हैं तेरे साथ है आज परमेश्वर काम करने जा रहे हैं आपके हड्डियों का दर्द कमर दर्द सामर्थी यीशु है और तू काम एक रोगी एक एक रोगी चंगे हो रहा है एक एक दर्द खत्म हो रहा है एक एक दर्द खत्म हो रहा है यीशु के नाम चंगे हो जाओ आत्मा से भर जाओ ओ री बाबा 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 जी बराबर सामर्थी अभिषेक
यहोवा तुम अपने काम को पूरा कर मेरे परमेश्वर। एक एक लोगों को मैं चिंता होते देख रहा हूँ, एक एक लोग बीमार जो है चुंगे हो रहे हैं, जो बच्चा चलता नहीं वो चल रहा है, उसके टांगों में बल आ रहा है, वो खड़ा हो रहा है यीशु के नाम में, बिना सपोर्ट के चल रहा है यीशु के नाम में, वो बोल रहा है, वो सुन रहा है, देख रहा है, मैं देख रहा हूँ हर एक रोगी शुद्ध हो रहे हैं, चुंगे हो जाओ यीशु के नाम में। मेरा घुटना जब तक यहोवा के सामने टिका रहेगा, एक एक रोगी चंगा होगा यीशु के नाम, एक एक मुरादें पूरी की जाएंगे यीशु के नाम में। परमेश्वर ने कहा है मूसा, जब तक तेरा घुटना टिका रहेगा जब तू जीतेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ चलने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने जीता और आपको जीत कराने जा रहा है। हर एक बीमारी अपने बीमारी पर हाथ रखो, हर बीमार लोग अपने बीमारी पर हाथ रखो, दुष्ट आत्मा कांपेगा, आज रोग कांपेगा, आज बीमारी कांपेगा, उसका अधिकार नहीं है। आप अपने बॉडी पर हाथ रख लो, हील 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 हो जाओ, चंगे हो जाओ, आत्मा से भर जाओ, एक एक लोग एक एक कलीसिया यीशु के हजूरी में भर जाओ। चर्च के लोग चंगे हो रहे हैं, एक एक लिंक चेक करेंगे चंगे हो रहे हैं। माय गॉड जीसस लॉर्ड, पिता तू काम करना शुरू कर दिया है, तू चमत्कार करना चालू कर दिया है, तेरे महिमा दिख रहा है, तेरे सामर्थ दिख रहा है। अरे पापा 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 वारक रिकड़ी 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 ना मना रिकड़ी रिकड़ी ना रिकड़ी ना रिकड़ी ना रिकड़ी रिकड़ी थोड़ा ना कितने ना रिकड़ी के स्वर्ग में जो है वो आया हुआ है, उसका नाम यीशु है। अरे पापा 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 रिकड़ी रिकड़ी रूहे कांप जाए, रूहे कांप जाएंगे, रूहे कांप जाए, घुटनों से दर्द निकल जाओ। तू काम करना शुरू कर दे मेरे परमेश्वर, आज मेरे परमेश्वर अपने महिमा में आ, अपने सामर्थ में आ, आग भेज, अग्नि भेज, अग्नि उतर यीशु के नाम में। यीशु समय चंगे हो जाओ, एक एक लोग, ओ गॉड माय जीसस, ओ फादर तू काम करना शुरू कर दिया है यीशु मसीह के नाम में। पूरे चर्च को मैं चंगे होते देख रहा हूँ, पूरे चर्च को नाचते हुए देख रहा हूँ, ठीक हो रहा है पूरा चर्च, आज बिना आप आए बिना कुछ कहे चंगे हो रहे हैं। परमेश्वर काम करेगा, उसने मुझे कहा लंगड़े चलेंगे, उसने कहा गूंगे बोलेंगे, उसने कहा पैर सुनेंगे अंधे देखेंगे, उसने कहा कोढ़ी शुद्ध होगा, यह चिन्ह होगा कि मैं तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ, वो चिन्ह होगा कि मेरे बोलते हर एक रोगी चंगे होंगे। परमेश्वर काम करेगा, रे पापा 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 पापा, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से चारों तरफ से स्वर्गदूत घेर रखे हैं इस चर्च को, चारों तरफ से स्वर्गदूत घेर कर रखे हैं। पापा पापा आग उतर रहा है आपके ऊपर, मेरे पिता मेरा हाथ मेरे सामने उठेगा, तू हमारे रक्षा करने वाला परमेश्वर है, तू मेरे लाज बचाने वाला परमेश्वर है, हर दुश्मनों का मुंह काला करने वाला परमेश्वर है, तेरे सामने कोई ठहर ना सका, तू बड़े बड़े काम करने वाला है। ओ जीसस फादर, मैं तुम्हें याद करता हूँ प्रभु, आज लोगों को बता तू मेरे साथ रहता है, यीशु मैं तुझे पुकारता हूँ, तू मेरा सुनने वाला परमेश्वर है, मेरे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ओ यीशु तेरे बच्चे में लिखा तू जब जब पुकारेगा यहोवा तेरा सुन लेगा, तू सुनने वाला परमेश्वर है, तू पहरा नहीं है कि सुन ना सके, तू अंधा नहीं है कि देख ना सके, तू मेरे परमेश्वर सुनता और देखता है, क्योंकि मुर्दों में से जिंदा होकर तू जीवित होकर के मौत को हरा के तू साबित कर दिया है कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ। एक एक रोगी को मैं चंगे होते देख रहा हूँ, एक एक वॉलंटियर चेक कर रहे हैं, मैं बीमारी को भागते हुए देख रहा हूँ, मैं रोगों को चंगा होते देख रहा हूँ, रोगी को जो ठीक हो रहे हैं उनको आगे आने देने, जो ठीक हो रहे हैं मैं देख रहा हूँ, जो चलते नहीं को बोलो चलने के लिए, यीशु के नाम से बोलो, विश्वास के साथ बोलो, आज काम होना चालू हो गया। ओ गॉड जीसस, यीशु यीशु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ,
यीशु मेरे घुटना तेरे सामने टिके हैं। होली स्पिरिट यीशु, सब अपने सीने पर हाथ रखो, सब अपने सीने पर हाथ रखो। मेरे प्रभु यीशु, तू कौन करता है? तू हमारे साथ रहता है। ओ यो 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 यो, तू काम करने वाला परमेश्वर। एक एक रोगी को चंगा हो जा, चंगे हो जा, चंगे हो जा, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, हालेलुया, यीशु के नाम में। सबको यीशु का हाथ में सुन, अपने हाथों को उठाओ, बोलो यीशु, यीशु मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपके नाम से, आपके नाम से। आमीन, 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 हालेलुया। जी प्रॉफिट जी, बहुत बड़ी गवाही है। भाई बता रहे हैं कि 4 साल से हम अपने पैर से चल नहीं पा रहे थे और उठ बैठने में बहुत दिक्कत होता था। डॉक्टर को दिखाए थे, डॉक्टर यही बोला था कि कमर का नस दब गया है, इसके वजह से आपका नस बंद हो गया है, इसीलिए आप चल नहीं पा रहे, उठ बैठ नहीं पा रहे। जब आपने प्रेयर किया उसी टाइम भाई ये चेक किए, अभी भाई अपने पैर से चल रहे हैं और उठ बैठ पा रहे हैं। हर एक नस से काम करेगी यीशु के नाम से। चल के देखो, चल के देखो, हालेलुया, ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। चल के देखो, चल के देखो, दौड़ के देखो, दौड़ के देखो, यीशु बाबा मुझे में बस जा, यीशु बाबा मुझे में बस जा। पापा जी, ये बड़हलगंज से आए हैं और ये बता रहे 2013 से हम उठ बैठ नहीं पा रहे थे। पापा जी अभी अभी आप प्रार्थना के रिसीव किए हैं, ये 2013 से उठ बैठ नहीं पा रहे थे, आज ये पहली बार अपने मन से उठ और बैठ ले रहे हैं। कब से बीमार थे आप? 2013 से। बात कर, कब से बीमार थे आप? 2013 से। क्या दिक्कत हो गया था? पूरा जितना हड्डी का जॉइंट था सब दर्द है। हाँ, अभी क्या हो गया? अभी दर्द बहुत कम हो गया, अभी ठीक लग रहा है। ले ये। अभी उठ बैठ के दिखाओ, उठ बैठ के देखो। साथी है, वो साथ है, साथ है, चला चला, चल के दिखाओ, चल के दिखाओ। कभी न छोड़े अकेला मुझे, कभी न छोड़े अकेला मुझे, वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा, साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। जी प्रॉफिट जी, बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि 3 साल हो गए आंखों में रोशनी नहीं आया। हाँ। 3 साल से बहन देख नहीं पा रही थी और 3 साल पहले डॉक्टर को दिखाई दी थी। ये बहन बता रही है कि 17,000 का इंजेक्शन लगता था हर महीने आंख के पास, तब बहन ये देख पा रही थी। अब ये बहन बता रही है जब आपने प्रेयर किया उसी टाइम ये बहन चेक किए, अब ये बहन बता रही है कि आंखों से दिखाई दे रहा है। बड़ा होने वाला है, बड़े होने। चेक कर इसके हाथ, चेक कर इसके हाथ, पापा जी ये बहन बता रही, एक मिनट, चेक कर कितने उंगली है? 5 कम कर, कम उंगली, कम कर, 3 कम कर, 2 तालियां बजाएं यीशु। हालेलुया, आज हम देख रहे हैं, आप देखो कितना बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं। जब तक मेरा घुटना टिकेगा आपके लिए, आपका रोग खत्म होकर जाएगा यीशु। मैं खुदा के सामने से रो कराता हूँ कि मेरे प्रभु, मेरे लोग कोई भी खाली नहीं जाए यहाँ से, मैं आपके लिए तैयार हूँ। आज अपने दिल से तैयार होना, परमेश्वर काम करेगा। हाँ, गवाही सुन। हालेलुया, पापा जी ये बहन सिवान से आई है। हाँ हाँ, ये बता रही है आज 2 साल से मेरी कमर में दर्द था, उठ बैठ नहीं पा रही थी, आज खुशी के मारे ये बहन रो रही है कि आज अपने जीवन में पहली बार मेरा दर्द खत्म हुआ है।
कब से दर्द था बेटा तेरे, कब से दर्द था ये? दो साल से। अभी आपने चेक किया, अभी कैसा लगा? मैं आई तो उठा बैठा नहीं जा रहा था। हाँ अभी क्या हुआ? अभी ठीक हो चुका है। दौड़ के दिखाओ, दौड़ के दिखाओ। मेरा बड़े बड़े काम करता, मेरा बड़े बड़े काम करता, मेरा बड़े बड़े काम करता, मेरा बड़े बड़े। तबाही वाला रुकना नहीं, अपने हाथ को, गिनती को, पथरी को चेक करो, अपने गर्दन को चेक करो, नस को चेक करो, आगे आना है, साबित करना है, जो बीमारी ठीक होता है उसे बताना है और परमेश्वर काम करेगा। हाँ हाँ, क्या गवाही है इसका, क्या गवाही है? हाँ हाँ, बोले जल्दी से। होली स्पिरिट यीशु राजा रापरी कड़ी 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 सामर्थ्य सामर्थ्य। हालेलुया। हाँ हाँ जी प्रॉफिट जी, आप मम्मी हो जी? प्रॉफिट जी, इस भाई का मम्मी बता रही है कि मेरा बेटा 15 साल से अपने पैर से चला नहीं था। हाँ, हाँ, हाँ। आज यहाँ पे आया और पापा जी आपने प्रेयर कर रहे थे ते पैर उसी टाइम रिसीव किए, अभी ये भाई अपने पैर से चल रहा है। चल के दिखा, चल के दिखा। ओ, मैं क्यों डरा? खत्म कर देना, एक एक लोग खाली नहीं जाएंगे यहाँ से। हालेलुया। हाँ चल के दिखा, चल के दे, देखो ये बच्चा 15 साल से चला ही नहीं, अभी चल रहा है। मेरा बड़े बड़े काम करता, मेरा हालेलुया। पापा जी, ये बहन मैरवा से आई है, आज 4 साल से इस बहन के कमर में बेल्ट लगा था और ये बिना सहारे के चल नहीं पाती थी, उठ बैठ नहीं पाती थी। आज ये बहन बता रही है कि 4 साल के बाद पहली बार मेरा बेल्ट खुला है और मेरा दर्द आराम हो गया है। ओके ओके, अभी अभी कैसा लग रहा है तेरे को? अभी कैसा लग रहा है? कितने साल के बाद बेल्ट खुला है? 6 साल के बाद खुला है। 6 साल से पान करके थी, अभी चल के दिखा, चल के दिखा। महान है तू, महान है चेक करते जाए, चेक करते जाए। आप हर एक करोगे, किसी को एक कान से नहीं सुनाई देता है, कोई मशीन या ऐसा कुछ चीज लगा हुआ है, इसको चेक करो। अभी उसके कान खुल चुकी है यीशु मसीह के नाम में। जो गिल्टी था, पथरी था, सूजन था, चेक करो अपनी गिल्टी को, कानों को चेक करो, हाथों को चेक करो, हाथ उठा कर चेक करो, पैर दबा कर चेक करो, घुटने दबा कर चेक करो, गला दबा कर देख करो, गर्दन दबा कर चेक करो, कान में देखो, दांतों में दर्द था चेक करो, आंखों में दिक्कत था चेक करो। अभी चेक करो, जैसे मैं बोल रहा हूँ जैसे चेक करोगे, हाथ रखोगे, वो बीमारी छोड़ कर चला जाएगा। हालेलुया। हाँ हाँ, पापा जी ये बहन सिवान से आई है। हाँ हाँ जी, हमारे जहाँ ऑपरेशन हुआ था वहाँ बराबर दर्द रहता था। हाँ, पापा जी ने अपने प्रार्थना किया, मेरे पेट में का दर्द आराम हो गया और किडनी में का भी। अभी ताली बजाएं यीशु के लिए। जो मैं चंगी हो गई, मैं तो चंगी हो गई, मैं चंगी हो गई, मैं तो चंगी हो गई, चंगी हो गई, मैं तो चंगी हो गई। और लोग चंगे हो रहे हैं, कोई औरत है बचदानी में गांठ हो गया है, वो चेक करेगी, बचदानी का गांठ खत्म हो रहा है। कोई औरत है रसोलिया, उसको गिनती है, वो चंगे हो रही है। मैं देख रहा हूँ, कोई लेटा हुआ है पेट में, कैंसर कोई रोग है उसको, चला नहीं जाता, उसको चेक करो। यीशु काम करने जा रहा है। अरे पापा पापा, अपने सर पे हाथ रखो, हाथ रखो, हाथ रखो, हाथ रखो। ओ यहोवा, रे पापा पापा पापा, खड़ी खड़ी खड़ी, सर से पांव तक एक बीमारी आज निकल जाए, इनके बच्चों से बीमारी निकल जाए, इनके घर से कलेश निकल जाए, इनके घर में लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए, नशा के आत्मा खत्म हो जाए, बनने पाए ब्लेस हो जाए, जितने काम में हाथ लगाए सफल हो जाए, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो जाए। इसी समय मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर, जो परीक्षा दिया वो पास हो जाए,
पास हो जाए यीशु मसीह के नाम है। इनके बच्चे टॉप लेवल पर जाएं, इनके बच्चे पुलिस में भर्ती होने पाए, फौज में भर्ती होने पाए, जितने काम में हाथ लगाए सफल होने पाए, दुकान ब्लेस हो जाए, इनकी नौकरी ब्लेस हो जाए, यीशु मसीह के नाम है आशीष देता हूँ। बाबा बरे और लोग चेक करो, चेक करो, अभी जब तक मैं घुटना टिका कर रखा हूँ चेक करो, अभी लोग चंगे होंगे। हाँ हाँ पापा जी ये बता रहे हैं इनके घुटने का ऑपरेशन हो गया था। हाँ हाँ और ऑपरेशन के बाद ये बिना सहारे के नहीं चल पाते थे। हाँ हाँ और अभी अभी आप प्रार्थना किए ये बिना सहारे के चल ले रहे हैं। अभी चल के दिखाओ, चल के दिखाओ। हालेलुया दौड़ेंगे 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 सड़ा यीशु मजबूत विजय आ गया लंगड़े दौड़ेंगे यीशु मजबूत विजय आ गया लंगड़े दौड़ेंगे। हालेलुया जी प्रभु जी बहुत बड़ी गवाही है। हाँ हाँ ये भाई बता रहे 3 साल से गर्दन पे गिल्टी था। हाँ 3 साल से गर्दन पे गिल्टी था तब आपने प्रोफेसी की है किसी की देख रहा हूँ गिल्टी और गिल्टी गल रहा है उसी टाइम भाई अपने चेक किया। हाँ, गिल्टी गायब हो गया है। अभी कब से गिल्टी था? 3 साल से था। अभी चेक किए तो क्या हुआ? धोती चुकी था। हाँ अभी क्या है? अभी नहीं तो चुके है अभी छोटा हो गया। तालियां बजाई बेगूसराय से आए हैं, बेगूसराय से, जिला बेगूसराय से, और ये बिल्कुल बेड पर लेटे हुए थे। ये अपने आप से उठ करके चल नहीं पाते थे। अभी अभी आप प्रेयर किए हैं ये जहाँ सोए थे बेड पर वहाँ से अपने पैर से चल के आ रहे हैं। चल के दिखाओ, चल के दिखाओ, चल के दिखाओ। बता रही है 5 साल से कमर में दर्द था, 5 साल से कमर में दर्द था। डॉक्टर को दिखाई थी तो डॉक्टर यही बोल रहा था कि तुम दवाई दवाई खाते रहो और उसी टाइम चेक करना ठीक हो जाएगा। अब बहन एक दवाई 5 साल से खा रहे थे फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा था। आज यहाँ पे आई जब आपने प्रार्थना किया उसी टाइम रिसीव किया अब ये कमर के दर्द से आजाद हो गई है बहन। ओके कब से दवा खाती थी दर्द का? 5 साल से। अभी क्या हुआ चेक की तो? अभी ठीक हो गया। ताली बजाएं दोनों। हाँ बोलो जल्दी जल्दी बोलो। मेरा गांव का बालगंज है। मेरा 3 महीना पैर से दाहिनी साइड से न उठा जाएगा न बैठा बहुत दर्द करता है और तान देता है। तो पहला बार हम एक बार आए तो तेल पानी से यीशु के नाम से अभी 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 तू ठीक है पैर तेरा ठीक हो गया। ताली बजाएं यीशु के लिए जोर से। ओए खुदा के रो तू हमें तो जो मम्मी बता रही है कि अभी अभी आप प्रेयर किए ये मिर्गी से बिल्कुल आजाद हो गया। ओ तालियां बजाएं शुक्रिया। बहुत बड़ी गवाही है। भाई बता रहे हैं भाई बता रहे हैं प्रॉफिट जी की 15 साल से घुटने में पैर में और कमर में दर्द था जो ठीक नहीं हो पा रहा था। ये भाई बता रहे जब यहाँ पे आए आपने वेदी पर से प्रार्थना किए उसी टाइम भाई रिसीव किए अब ये दर्द से आजाद हो गए हैं। दर्द नहीं है, दर्द नहीं है भाई किसमें दर्द नहीं है अभी। चल के देखो, चल के देखो, चल के देखो। तो चुबे हमें मिले हो जाए तेरे पचास के वादे दिल में हमारे हुआ। गिल्टी गवा छोट हो गई बा कमर के दर्द
कितने बड़ा गिल्टी था, कितना बड़ा गिल्टी था, और अभी क्या हुआ, अभी छोटा हो गया। ताली बजाओ जो हमें तुम छो, सभी गए हमें मिले आपके एक एक रोग यीशु के नाम से खत्म हो रहा है। आमीन। मेरा घुटने में दर्द हो रहा है, इसका मतलब कि आपका रोग खत्म हो रहा है। मेरा घुटने का दर्द बता रहा है कि मैं सबका दर्द लेने जा रहा हूँ। मैं आपके लिए तैयार हूँ, आप यीशु के लिए तैयार हो जाओ, परमेश्वर काम करने जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई बच्चा गूंगा बोलता नहीं था, सुन रहा है और बोल रहा है। कोई लड़की गूंगी बहरी थी, उसे चेक करो, वो बोल रही है यीशु के नाम में। मैं यहाँ से परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि यहाँ के लोग ठीक हो रहे हैं, आप चेक करते जाओ, खुदा काम करते जाएगा। मैं देख रहा हूँ कोई सोया हुआ है, उसे नेपाल से आए हुए ये भाई साहब बता रहे हैं कि मैं हार्ट का पेशेंट था, मेरी बीपी बढ़ रही थी। और पापा जी अभी भी प्रार्थना किए हैं, हम बिल्कुल आजाद हो गए, अभी अभी नॉर्मल है, पत्नी के बीपी बढ़ जाए, अभी कैसा है, ठीक हो गया, अभी कैसा है, ठीक हो, अभी ठीक हो गया। ताली बजाएं, तारीफ हो तेरी, तारीफ हो तेरी, तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो तेरी, तारीफ हो तेरी, तारीफ हो यीशु। जी रॉबर्ट जी, बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है, एक साल से इन बहन को पेट में पतली था। वो पतली होने की वजह से बहुत ज्यादा दर्द होता था। ये बहन कुछ पानी तक नहीं अंदर जा सकता था। ये बहन बता रही, बहुत परेशान थे। आज ये बहन यहाँ पे आई, जब अपने बेदी पर से प्रेयर कर रहे थे, उसी समय बहन उस पेट पर हाथ रखी थी, वो दर्द हमेशा के लिए आजाद हो गई है दर्द से। बहन कहाँ सही है, कहाँ से कहाँ सही है जी? प्रॉफिट जी गोरखपुर से आगे से आई, आगे से आई। अभी दर्द कैसा, पूछ पूछ बोला बाजार से, अभी कैसा दर्द, ठीक है? तालियां बजाइए, तारीफ हो तेरी, तारीफ हो तेरी, तारीफ हो तेरी, तारीफ हो तेरी, तारीफ हो यीशु। हां नमस्कार, यीशु के नाम से हमारा दांत का दर्द ठीक हो गया है। दांतों में दर्द था, पहले दांत का दर्द था, पानी पीने से बहुत आंगर आता है, अभी सही हो गया है। अभी चेक किए, पानी पीकर चेक किए, ठीक हो गया, अभी सही है, अब चंगे हो चुका। ताली बजाइए यीशु के लिए। ओ हालेलुया, मैं रुचि ममोर हो गया, हालेलुया मैं रुचि ममोर हो गया, हालेलुया मैं रुचि ममोर हो गया। चंगे हो जाए के लोग, चंगे हो जाए यीशु के लोग, चंगे कल हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम, यीशु के सामर्थ्य नाम, एक एक गवाही बने, बड़े बड़े गवाही बने। इसी समय में प्रार्थना करता हूँ, किसी को कोई कोई है पेशाब के रास्ते में दिक्कत होता है, जलन होता है, उसको अभी वो चेक करेगा, अभी वो ठीक हो रहा है यीशु के नाम। पेशाब के रास्ते में कुछ प्रॉब्लम था, उसमें मस्सा हो गया था, अभी चेक करे, वो पेशाब क्लियर हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। मैं गवाही देख रहा हूँ, मैं गवाही देख रहा हूँ, मैं गवाही देख रहा हूँ। कोई कोई बहन को लहू बहता था, ब्लड गिरता था, अभी ब्लड बंद हो चुका है, ब्लड नहीं गिर रहा है, चेक करे उस औरत को, औरत चेक करे, ब्लड बंद हो चुका है, वो ठीक हो चुकी है, यीशु ने चंगा कर दिया। अरे बाबा बारा बारा, परमेश्वर काम कर रहा है। बाबा बारा बारा, हाँ हाँ, क्या गवाही, हालेलुया, चेक करते हैं जी। प्रॉफिट जी, ये बहन बता रही है, 5 दिन हो गया हमें बैठे हुए कमर के दर्द के वजह से। हाँ, कमर के दर्द के वजह से 5 दिन हो गया था बैठे हुए। बहन जब यहाँ पे आई, आपने प्रेयर किए रहे थे, उसी टाइम बहन कमर पे हाथ रखी थी, आपने कहा चेक करो, तुम्हारा दर्द जा रहा है। बहन चेक किया और उठ बैठ के चेक किया, अभी दर्द से आजाद हो गई है बहन। तू दिल में समा, शरणा तेरी गाँ, शरणा तेरी गाँ, यीशु दाता। तू दिल में समा, शरणा तेरी गाँ, शरणा तेरी गाँ। हाँ, क्या गवाही है, क्या गवाही, हालेलुया। हाँ हाँ हाँ, पापा जी, 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 जी। इसका दिमाग का प्रॉब्लम था, ये बोल नहीं रहा था। अभी अभी आप प्रार्थना किए हैं,
हालेलुया पापा और बुलवा अम्मा और बुलवा चाचा और बुलवा काका एक गिनती कराओ एक दो तीन चार जोर से ताली बजाइए हालेलुया बोलते हैं इसका दिमाग पागल हो गया था अभी पागल कैसे बोल रहा है ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से बोलते हैं भजन देते हैं हालेलुया जी प्रॉफिट जी ये बहन बता रही है 2 साल राइट साइड चेस्ट में गिल्टी हो गया था बहुत बड़े गिल्टी हो गया था बहन दर्द से बहुत परेशान रहती थी ये बहन बता रही कि जब यहाँ पे आए आपने प्रेयर किया उसी टाइम रिसीव किया अभी ये गिल्टी गल गया है अभी गिल्टी नहीं है अभी ठीक है छोटा हो गया है क्या हुआ क्या हुआ पेट में सूजन था 5-6 साल से आराम हो गया है मेरा आँख से पानी गिरता है वो भी आराम है तालियां बजाएं फांसी फांसी पाहे यीशु मसीह फांसी फांसी पाहे यीशु मसीह हरी रोग की दवा है यीशु मसीह हरी रोग की दवा है यीशु मसीह सिफा 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 है यीशु मसीह सिफा 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 है यीशु मसीह सिफा 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 है यीशु मसीह बहुत बड़ी गवाही है भाई बता रहे हैं कि 30 साल से पेशाब के रास्ता में दर्द होता था पेशाब के रास्ता दर्द होता था ये भाई बता रहे हैं कि 6 बार ऑपरेशन हो चुका है फिर भी सही नहीं हो पा रहा था ये भाई बता रहे 60 लाख रुपया लगा चुके थे फिर भी ये सही नहीं हो रहे दर्द से आज यहाँ पे आए जैसे आपने प्रेयर किए थे उसी टाइम रिसीव किए अब ये दर्द से चंगे हो गए पेशाब में प्रॉब्लम हो रहा था जलन हो रहा था हल्का हल्का जलन है अभी लेकिन पहले से कम हो गया है अभी एक बार और चेक करोगे पूरा सही हो चुका है यीशु के नाम में ठीक है जिंदा खुदा है हमारा जिंदा खुदा है हमारा जिंदा खुदा है हमारा पापा जी अभी हम इस बार किए हैं कि कोई औरत है जिसको फ्लर्टिंग हो रहा है हाँ ये बहन बनिहवा से आई है और इनको प्लटिंग हो रहा था अभी अभी आप हम इस भाई के प्रार्थना किए हैं ये बहन बिल्कुल चंगी हो गई ओ यीशु जी मैंने क्या बोला सुनो हर एक रोगी चंगे होंगे अभी ब्लॉडिंग बंद हो गया अभी ठीक है कैसा महसूस कर रही है ठीक है ये ब्लॉडिंग का प्रॉब्लम कब से था बाथरूम का 2 महीना से 2 महीना से था मैंने क्या कहा कि मेरा घुटना टिका रहेगा आप ठीक होते रहोगे तालियां बजाओ यीशु के लिए तेरा पल्ला चुके पल्ला चुके पल्ला चुके प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है बहन बता रही है कि 20 साल से कमर में दर्द था और घुटने में दर्द था और हार्ट का प्रॉब्लम था डॉक्टर से बताई दिखाई थी डॉक्टर 2 लाख रुपया ले चुका था फिर भी ठीक नहीं हो पा रही थी ये बहन यहाँ पे आई जब आपने प्रेयर किया उसी टाइम रिसीव किया अभी ये बहन दर्द से आजाद हो गई है तेरा बल्ला चुके बल्ला चुके बल्ला चुके बल्ला चुके बल्ला चुके बड़े बड़े बीमारियां जाए कोई बच्चा है उसका पैर टेढ़ा है अभी उसको चेक करो सीधा हो रहा है टेढ़ा पैर था सीधा हो रहा है चेक करो उसके माँ बाप चेक करे उसका पैर टेढ़ा था कोई सीधा हो रहा है अभी मैं आत्मा में देख रहा हूँ परमेश्वर गवाही लेकर आएगा वो पैर काम नहीं करता लेकिन सीधा हो रहा है सीधा हो रहा है चेक करेंगे हाँ हाँ अगले गवाही देखेंगे परमेश्वर आशीष देगा जब साथ है कोई 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 औरत है उसका हाथ उठाने में दर्द होता था कोई औरत का हाथ उठाने में दर्द होता था पाखुर में दर्द था अभी वो हाथ उठाकर देखें वो दर्द खत्म हो रहा है 3 बार उठाए वो चंगे हो रही है हालेलुया बाबा बरकत हाँ जी प्रभु जी बहुत बड़ी गवाही है बहन बता रही है कि इनके पापा बता पापा हैं पापा बता रहे बचपन से ना बोलती थी ना सुनती थी आज जैसे आपने प्रेयर किए अब ये बहन बोल रही है और सुन रही है ओ जब सा सुन 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 पापा और बुला पापा
और बोल कस के बोल 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 और कस के बोल बोल तालियां बजाए शुक्रिया जब साथ है मसीहा जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे कह रहा हूँ कोई किसी का पेट टिणाता सीधा हो रहा है फिर कह रहा हूँ चेक करेंगे और वो सीधा हो रहा है उसके नस में पल नहीं आता था चेक करें कोई सोया हुआ है किस प्रॉब्लम है लीवर किडनी में प्रॉब्लम है किसी को वो चंगा हो रहा है यीशु के नाम मैं आत्मा में देख रहा हूँ मेरा प्रभु काम कर रहा है मैं देख रहा हूँ बेटी बीमार रहती है एक बेटी है सही है लेकिन एक बेटी बहुत बीमार रहती है वो ठीक हो रही है यीशु के नाम में हरे बाबा परमेश्वर आशीष देता परमेश्वर आशीष देता है जिसका घर नहीं बनना है यहाँ से जाओ खुशखबरी है घर बनने जा रहा है यीशु का नाम हरे बाबा बारा कर मैं फिर देख रहा हूँ आत्मा में देखो कोई कोई बीमार है ऐसे कोई किसी को पैर में फोड़े हो गए चला नहीं जाता पैर में फोड़े हो गए और मवाज देता है चलने में दिक्कत होता है वो चंगा हो रहा है यीशु के नाम में पैर में फोड़े हो गए चलने में दिक्कत होता है ठीक हो रहा है यीशु के नाम में मैं कह रहा हूँ आज आशीष पाएगा यीशु के नाम में वरी बाबा रखा रखड़ कर मैं फिर कह रहा हूँ किसी का पैर सीधा हो रहा है मैं आत्मा में देख रहा हूँ पैर सीधा हो रहा है यीशु मेरे जुबान का रखवाली करता है मेरे जुबान से निकल हुआ सब पूरा होगा चेक करना परमेश्वर गवाही के साथ लेकर आएगा एक बार कोई बच्चा खड़ा होता है बिना सहारे का खड़ा होता है लेकिन खड़ा होकर चल नहीं पाता गिर जाता है लेकिन आज उसकी उंगली पकड़ो वो चलेगा यीशु के नाम में उसका उंगली पकड़ोगे और चलना शुरू कर देगा चेक कर आत्मा में बोल रहा हूँ परमेश्वर काम कर रहा है कोई रीना है परमेश्वर उसे बच्चा देने जा रहा है कोई रीना है उसके पास बच्चा नहीं है परमेश्वर देने जा रहा है और कोई देख रहा हूँ कोई ऐसे बोलते हैं कोई रेशमा कोई उसके पास भी बच्चा नहीं है प्रभु देने जा रहा है मैं देख रहा हूँ आत्मा में परमेश्वर काम करने जा रहा है कोई ऐसे औरत है 7 साल शादी हो गया बच्चा नहीं है वो बड़े परेशान है रोती है ताना मारते घर के लोग छोड़ने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो विश्वास करके जाए यहाँ से वो बच्चा के साथ आएगी यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर एक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ एक एक लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जितने लोग विश्वास आशा के साथ आए हैं वो गवाही के साथ कोई बेटा मांग रही है उसके पास बेटी है दो बेटा नहीं है उसके पास बेटा चाहिए परमेश्वर देने जा रहा है विश्वास करना तुझे बेटा मिलेगा तू गवाही के साथ आएगा यीशु मसीह के नाम में रिसीव करना आज के भविष्यवाणी को परमेश्वर काम करेगा अरी बाबा रखा रखने के समय पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ छुआ राशि दे बोलो आमेन हाँ चेक कर हालेलुया हाँ जी प्रभु जी बहुत बड़ी गवाही है ये बहन बता रही है कि हम इनके पति को 12 दिन से पेशाब के रास्ते में ब्लड आ रहा था 12 दिन से आ रहा था ये बहन बोल रही है कि डॉक्टर को मैं चेक कराया तो डॉक्टर यही बताया कि ब्लड कैंसर हो चुका है और ये बहन आज जैसे यहाँ पे आई जब आपने प्रेयर कर रहे थे उसी टाइम रिसीव किया अब ये भाई चेक किया है कौन कि अभी ब्लड नहीं पानी आ रहा है अभी अभी आपने चेक किया तो क्या अभी क्या निकला ब्लड नहीं निकला पहले पेशाब करते थे तो क्या निकलता था ब्लड निकलता और अभी चेक किया तो क्या निकला ब्लड नहीं निकला पानी निकला ब्लड नहीं निकल रहा है तो ठीक हो चुका परमेश्वर से पापा जी ये बहुत बड़ी गवाही है ये दिल्ली एम्स में इनकी दवा चल रही थी ये बहाने यहाँ आकर के लेटी हुई थी ये हार्ट का प्रॉब्लम था ये लेटी हुई थी और दिल्ली एम्स से दवाई चल रहा था डॉक्टर ने बोल दिया कि आप लोग घर लेके जाइए ये इनके घर वाले ले आके यहाँ सुलाए थे अभी अभी पापा जी आप प्रार्थना किए पार्टनरशिप किए ये अपने पैर से चल के आया अब चल के दिखा बदनों को तोड़ने वाला टूटे रिश्तों को जोड़ने वाला बदनों को तोड़ने वाला टूटे रिश्तों को जोड़ने वाला रुक तू मारो ये सुई मोड़ने वाला ये बहन बता रही है 4 महीना से राइट साइड हाथों से कुछ उठता नहीं था यहाँ तक खाना उठाती थी तो बहुत ज्यादा दर्द करता था आज यहाँ पे आए जब आपने प्रेयर कर रहे थे प्रॉफिट जी ये बहन रिसीव किया अब ये बहन हाथ से इट्टा उठा रही है वो है सानी हमारे
बारी वो है हमारा यबर वो है साने हमारी वो है हमारा यबर तेरे बगैर फिर कह रहा हूँ कोई ऐसा व्यक्ति कोई लड़का है पैर टेढ़ा था अभी उस पैर सटा कर चलता था लेकिन अभी खड़ा हो करोगे तो उसका पैर खुल गया है चेक करो ऐसा कोई लड़का मुझे परमेश्वर बार बार कह रहा है कोई है ऐसे उसका पैर ऐसे था लेकिन अभी पैर खुल रहा है उसका ठीक सीधा हो रहा है और परमेश्वर चमत्कार कर रहा है उसके साथ हाँ हाँ गवाही के साथ बाबा जी ये बहन बता रही थी कि 2 साल से मेरी गिल्टी थी हाँ 2 साल से गिल्टी थी अभी अभी हम छू रहे तो मेरी गिल्टी गायब ओ हरी रोगी करता खत्म हालेलुया द्रुहे करता वसम जी प्रभु जी ए बहन बता रही है कि 2 महीने से राइट साइड कंधे पर दर्द करता था 2 महीने से दर्द करता था जब आपने कहे पुलपट पर से कि जिसका जहाँ पे दर्द हो वहाँ पे हाथ रखो देखो तुम्हारा दर्द जा रहा है ए बहन सेम वहाँ पे हाथ रखी और चेक किया दर्द खत्म हो गया है हालेलुया एक एक नाम सी सी सौ से कोई नाम दिख रहा था कोई कोई सरवन पर जाते मेरे बाबा कौन है जी इनका बाबा है घर में 2 लोगों का नाम सौ से 2 लोगों को जितने लोग विश्वास करते हैं यीशु पर उनको परमेश्वर शांति देता है शांति चाहिए कि नहीं चाहिए कहता शांति परमेश्वर के पास है शांति मांगना पड़ता है शांति लेना पड़ता है शांति देने के लिए परमेश्वर तैयार है लेकिन क्या शांति लेने के लिए आप तैयार हो अगर आप शांति लेने के लिए तैयार हो तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेगा हालेलुया आप रेडी हो यस गाओ यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता यीशु मेरा बड़े बड़े काम यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता 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 बीमारी से क्यों डरो लतारी से क्यों डरो बीमारी से क्यों डरो लतारी से क्यों डरो तूफानों से क्यों डरो गोविंदा खुदा मेरे साथ मैं क्यों घबरा मेरा यीशु जो क्यों घबरा बस सब भला हालेलुया कितने लोग खुश हैं जितने खुश हैं उनको खुशी मिलेगा मिलेगा कि नहीं परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनता है विश्वास को देखता है कहता है मैं तेरे विश्वास को देखता हूँ कहता है कि मैं तेरे से खुशी नहीं मांगता मत बजाना ना टिन टिन मना कर उनको नहीं बजाना है मत बजाया करो जब मैं बोलूँ तब बजाना अभी नहीं बजाओ यीशु कहता है कि मैं तेरे खुशी से खुश नहीं होता खुशी समझ रहे कि नहीं बकरी का बच्चा कहता मैं बकरी का बच्चा से खुश नहीं होता परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे चढ़ावा देने से खुश नहीं होता कहता है मैं तेरे कपूर लाऊंगा से खुश नहीं होता कहता तेरे मिठाई खिलाने से मैं खुश नहीं होता लड्डू दे देने से खुश नहीं होता कहता तेरा छेना खिला देने से मल्ला पहना देने से खुश नहीं होता हूँ कहता मैं खुश होता हूँ तो एक ही चीज से खुश होता हूँ वो है तेरा विश्वास कहता मैं तेरे विश्वास से खुश होता हूँ कहता अगर तू विश्वास के साथ मेरे पास आया है तो कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है कहता विश्वास कर संदेह ना कर मैं तेरे रास्ते को बंद पड़े रास्ते को खोल दूंगा यीशु के नाम में तेरे बीमारियों को चकनाचूर कर दूंगा मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ कहता है कि मुझ पर विश्वास रखना मैं बड़े बड़े जंग लड़ने वाला परमेश्वर हूँ छोटे मोटे जंग तो सब लड़ते हैं छोटे मोटे तूफान तो सबके पास आता है लेकिन जो बड़ा जंग लड़ता है वही बहादुर होता है सब बलहा ले लिया आपको परमेश्वर जंग में पास कराएगा पास कराएगा कि नहीं पैर तो दुख गया होगा खड़े होते होते लेकिन मैं नहीं थकता हूँ मेरा घुटना जब टिकता है कितने घंटे तक रह जाऊंगा कोई पता नहीं मैं आपके लिए तपस्या करके आता हूँ अपने अकेले के लिए नहीं आता हूँ मैं अकेले जितना मेहनत कर लेता हूँ उतना मैं तो मेरा खर्चा निकल जाएगा
लेकिन मैं सबके लिए आता हूँ। आज मेरे को कई घंटा से बैठा था प्रार्थना में, लेकिन प्रभु ने कहा जैसा तू जाएगा सब लोग ठीक हो जाएंगे। हुआ कि नहीं? देखा कि नहीं बड़े बड़े काम हुआ? इतने बड़े बड़े गवाहियां जो काम डॉक्टर नहीं कर सकते हैं वो परमेश्वर करके दिखाया। दिखाया कि नहीं? छलांग मार के दिखाओ, छलांग मार के एक बार। मैं क्यों घबराऊं, बजाओ देवरे कभी हूँ करके। सुनो, जब आप कहते हूँ शैतान कहते ना ना ना, दुश्मन कहते हैं ना ना ना, क्योंकि जब हम हूँ कहते हैं तो परमेश्वर हाँ कहता है। हम कहते हैं हाँ, वो कहता है बेटा मैं हाँ, मैं हूँ तेरे साथ। समझ रहे कि नहीं? कभी हूँ करके, कभी हाँ करके, कभी हूँ करके, कभी हाँ करके, कभी हूँ करके, कभी हाँ करके, सब तालियां बजाओ करके, सब तालियां बजाओ करके, सब तालियां बजाओ करके। उसके आगे क्या करना है? कभी आया करो, मुस्कुराया करो, गीत मीठी मीठी सूझ के गाया करो, जब तेरे सूझ के गाया करो, अभी जब तेरे सूझ के गाया करो, जब तेरे सूझ के गाया करो। कितने लोग ओठों से मीठी मीठी गीत गाते हैं ना, कितने लोग गीत गाते हो यीशु जी का, है ना? यीशु के गीत गाते हो? जो यीशु के गीत गाता होगा उसके घर में धन आएगा। जो नहीं गाता है वो गाना शुरू कर दो, गाना शुरू कर दो, धन आएगा। चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए? वो देना तो सबको चाहता है लेकिन लेने वाला कम लोग है। खेती तो सबके पास होता है लेकिन किसानी सब नहीं कर पाते। जो करता है उसका बखार हमेशा भरा रहता है, लेकिन जो लापरवाह हो जाता है वो मांग के खाता है, कहता है 10 रुपए दे दे भाई साहब। जब बरसात आता है खेत रहते हुए गेहूँ खत्म, चावल खत्म, बरसात आता है तो दूसरे घर जाते हैं, बोलते मेरे को थोड़ा सा चावल दे दो। कहता मेहनत मैंने किया है तो चावल तुम्हें क्यों दूंगा? अगर तुम्हें पूरे साल सकून से खाना है तो मीठी मीठी गाया कर तो ठीक ठीक रहेगा। गीत मीठी मीठे यीशु जी के छलांग मार के और बैठ जाओ, छलांग मार के। हालेलुया। शैतान को कुचाला करो, जितने मीठे मीठे यीशु जी के गाया करो, और बैठ जाओ अपने स्थान पर, मेरी आंखों के सामने बैठ जाओ। हालेलुया। जी प्रॉफिट जी, बहुत बड़ी गवाही है, इन सबके गवाही ले लो। ये बहन बता रही है कि 7 साल से फेफड़े में टीबी हो गया था। 7 साल से फेफड़ा में टीबी हो गया था? जी प्रॉफिट जी, 7 साल से इस बहन को फेफड़ा में टीबी हो गया था, और टीबी होने के ज्यादा ये बहन 7 साल से इनको खांसी आ रहा था, वो खांसी ठीक नहीं हो पा रहा था। ये बहन डॉक्टर को दिखाई थी, डॉक्टर 2 लाख ले चुका था, फिर भी डॉक्टर यही बोल रहा था कि आपका टीबी सही नहीं हो पाएगा, आपका अस्तर काटना पड़ेगा, सीना छाती काटना पड़ेगा तब ठीक होगा। ये बहन निराश हो गई थी, बहुत रोती थी। आज बहन जैसे यहाँ पे आई, आपने पुलपट पर से प्रार्थना कर रहे थे, ये बहन रिसीव किया, अभी ये बहन खांसी से आजाद हो गई है। अभी तुम्हारा खांसी ठीक है? ठीक है। दर्द कैसा है? ठीक है, मैंने खजुली में आराम है, थोड़ा थोड़ा बाय। खजुली आराम है? सबका खजुली खत्म, थोड़ा बाय। जिसको जिसको खजुली हुआ है आज के बाद जब जाओगे घर, अभिषेक वाला पानी को बाल्टी में थोड़ा सा डालना और कहना यीशु जी तेरे नाम से नहाती हूँ, 3 बार नहाना,
जैसे पानी मुड़ी पर जाएगा, जैसे शरीर भीजेगा, खुजली छोड़ कर चला जाएगा। कभी हम करके कभी हम करके क्या पापा जी, ये बहन बिंदावती देवी तरिया सुजान से, तरिया सुजान से जी, इन बहन की ये गवाही है कि इनके भौजाई की छह केवल लड़कियां थी, छह बेटी थी जी, छह बेटी थी, बेटी के बाद कोई बच्चा नहीं था। पापा जी, जो हर महीने लास्ट शुक्रवार को बच्चे के लिए जो आप स्पेशल प्रार्थना करते हैं, ये बहन अपने भौजाई को लेके आई और आपसे लेहन प्रार्थना करके गई, जाने के 13 साल के बाद इनकी भौजाई को नॉर्मल बेटा पैदा हुआ। बात कराओ, बात कराओ, इनसे बात कराओ, कहाँ से आए हो? घर द्वार तरिया सुजान है, भौजाई के बेटा ना रहे सो? नहीं, छह लड़की पर से लड़का भल बड़ा। शादी कब साल हो गए? शादी उनके हो गए 13 साल। 13 साल, 13 साल में खाली बेटी रही सो, बेटा ना रहे सो? बेटा ना रहे। और तू वैलू और प्रार्थना करा के गई लू? जी पास्टर। और प्रार्थना करा के जाने के बाद क्या हुआ है? बेटा हुआ। क्या हुआ? बेटा हुआ। जोर से ताली तो आप लोग बजाइए। सुनो सुनो सुनो, कितने लोग देख के चलते हैं, हाथ उठा के दिखाओ।